वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप कार्डिक अरेस्ट को कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसके क्या टेस्ट किए जाते हैं और इसके लिए कौन से तरीका इलाज अपनाए जाते हैं, कौन से ट्रीटमेंट से वो किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कार्डिक अरेस्ट के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है। कार्डिक अरेस्ट के जो टेस्ट होते हैं, सबसे पहली बात कार्डिक अरेस्ट की सूट में, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के दिल की धड़कन जो है वो बंद हो जाती है, तो इसकी वजह से पूरी इलाज करवाने की जो है वो जरूरत होती है। कार्डिक अरेस्ट के इलाज के लिए ज्यादातर तो इस बात पर फोकस किया जाता है कि पूरे जिस्म में खून का बहाव पहुंचे। कार्डिक अरेस्ट के लिए डॉक्टर एक टेस्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं, जिसको करवाने का मकसद ये होता है कि इंसान के जो दिल की धड़कन है, इंसान की दिल की धड़कन में इसकी जो रिदम होती है, यानी इसके अब नॉर्मल हार्ट रिदम, ये जो कंडीशन है, इसकी कौन सी किस्म जो इंसान को हो चुकी है, या फिर इंसान के दिल की जो रिदम है इसमें कौन सी एबनॉर्मैलिटीज जो है वो पैदा हुई है, ये एबनॉर्मैलिटी की कौन सी किस्म जो है इसके अंदर पैदा हो चुकी है, इसको चेक किया जाता है। इस कंडीशन के इलाज के लिए डॉक्टर्स एक टूल जिसको डिफिब्रिलेटर, इसकी मदद से इंसान के दिल को जो है शॉक देते हैं, और इस इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका देना, इस शॉक को देने का मकसद ये होता है कि इंसान का दिल दोबारा से नॉर्मल धड़कना जो है वो शुरू कर दे। इसके अलावा दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं, वो ये है ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट के करवाने का मकसद ये होता है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह हार्ट अटैक तो नहीं है, यानी दिल के दौरे की अलामत को जानने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, या फिर ये ब्लड टेस्ट इसलिए भी करवाए जाते हैं कि कार्डिक अरेस्ट की वजह पोटेशियम के लेवल में कमी तो नहीं है, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम के लेवल में कमी तो इसकी वजह नहीं है, इसलिए ये टेस्ट जो करवाए जाता है। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, सीने के एक्सरे करवाए जाते हैं, ताकि अगर कार्डिक अरेस्ट की वजह दिल की कई दूसरी बीमारियां हो तो उनकी अलामतों को देखने के लिए जो वो एक्सरे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक अरेस्ट के लिए कौन से तरीका इलाज है वो इख्तियार किया जाते हैं। कार्डिक अरेस्ट की सूट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट तरीका इलाज है वो इख्तियार किया जाता है, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म CPR है, और दूसरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में डिफिब्रिलेशन शामिल है, जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है इन दोनों ट्रीटमेंट का मकसद इंसान के दिल की धड़कन को, जो कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से बंद हो चुकी होती है, इसको दोबारा बहाल करना, इन ट्रीटमेंट की सूट में इनको दोबारा बहाल करना होता है। इन ट्रीटमेंट की सूट में इंसान का दिल दोबारा से नॉर्मल धड़कना शुरू कर देता है। अगर आप इस कार्डिक अरेस्ट से जिंदा बच जाते हैं, यानी आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो डॉक्टर आपके लिए दूसरी ट्रीटमेंट, जो कि एक होती है या फिर एक से ज्यादा ट्रीटमेंट जो हो सकती है, इनको एक साथ शुरू करा देते हैं, ताकि कार्डिक अरेस्ट के अगले अटैक से जो मरीज को बचाया जा सके। वो तरीका इलाज ये होते हैं। सबसे पहले तरीका इलाज मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। इस दवाई के देने का मकसद हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना होता है, ताकि इन दोनों कंडीशन के बढ़े हुए लेवल्स को जो है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है सर्जरी। सर्जरी के जरिए ब्लड वेसल या हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, इनको होने वाले नुकसान को दूर किया जाता है। सर्जरी के जरिए बाईपास किया जाता है, या फिर आर्टरीज में होने वाली जो ब्लॉकेज होती है उसको निकाला जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से आर्टरीज का रास्ता बंद हो चुका होता है, जो कि सर्जरी के जरिए इस ब्लॉकेज को जो है वो रिमूव किया जाता है, इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज है वो वर्जिश होती है। डॉक्टर जब मरीज की जो कार्डियो वेस्कुलर फिटनेस होती है, इसके लिए वर्जिश करने के लिए कहते हैं, ताकि इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सही तरीके से काम करे। नेक्स्ट जो तरीका इलाज इख्तियार किया जाता है, जो कि मेडिसिन वगैरह के साथ दूसरी ट्रीटमेंट्स, जो कि वर्जिश है, और नेक्स्ट जो डाइट में कुछ चेंजेस या डाइट प्लान आपको दिया जाता है। डॉक्टर मरीज को ऐसी डाइट इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, जिसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम रहे, और इसके लिए ऐसी डाइट को आपकी डाइट में से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो इश्यू होता होगा। नेक्स्ट ये है कि कार्डिक अरेस्ट इंसान के लिए जो है वो जानलेवा साबित होता है, इसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है, लेकिन फौरी इलाज की सूरत में इंसान की जान जो है वो बचाई जा सकती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट भी उसी वक्त काम करती है जब कार्डिक अरेस्ट की अलामत जाहिर होने के कुछ ही मिनट में जो है वो इलाज करवाया जाए, यानी कुछ लोग सारी बातें वेट करते हैं कि सिम्टम्स खुद ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप में जाहिर होने वाली अलामत अगर कार्डिक अरेस्ट की है तो इसकी सूरत में आपको एक मिनट का वेट करना भी खुद आपके लिए या उस इंसान के लिए जिसको कार्डिक अरेस्ट हो चुका है उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यानी कार्डिक अरेस्ट से उसी वक्त बचा जा सकता है अगर आप फौरी जो है वो अलामत के जाहिर होने के बाद पूरी हॉस्पिटल पहुंचे या अपने नजदीकी क्लिनिक तक जरूर पहुंचे। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि एक बिटर रियलिटी के बहुत सारे फैमिलीज में या घरों में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या अगर फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियल कंडीशन अगर वजह ना भी हो हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने की, तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, सीरियस सिम्टम्स होते हैं उनको भी ज्यादा सीरियस नहीं लेते,
जिनको लगता है कि जवान अगर फर्ज करे अगर पेशेंट जो वो यंग एज है तो इस सूरत में भी ये कहा जाता है नहीं खुद ही ठीक हो जाएगा, कुछ देर रेस्ट करेगा तो इंसान ठीक हो जाएगा, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता है। और कार्डिक रेस्ट की सूरत में जब बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है तो इस सूरत में सिर्फ इंसान की जान चली जाती है। बट यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं, यानी उनमें कार्डिक रेस्ट जैसी कोई भी सिम्टम एक्चुअल में नहीं होती है, इन्हें असल में मौजूद नहीं होती है, लेकिन वो लोग फेक कर रहे होते हैं। तो ऐसे सूरत में जारी बात है बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी घबरा जाते हैं लेकिन असल में कुछ हुआ ही नहीं होता है। तो ये भी एक बिटर रियलिटी, एक डार्क साइड कह लीजिए कि यहाँ पे लोग अटेंशन सीकर जो होते हैं वो सिम्टम्स को फेक कर रहे होते हैं। आपके साथ जो दो ह्यूमन बिहेवियर शेयर किए गए हैं, आप इसके हवाले से क्या सोचते समझते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, या आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, जब इंसान को कार्डिक रेस्ट हो तो इसकी वजह जानना जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि कार्डिक रेस्ट की ट्रीटमेंट का इन्हिसार इसकी वजह पर होता है, यानी कौन सी बीमारी या कंडीशन इसकी वजह है। डॉक्टर कार्डिक रेस्ट के लिए जब ट्रीटमेंट ऑप्शन सोचते हैं तो इन ट्रीटमेंट ऑप्शन का मकसद ये होता है कि आपके लिए कार्डिक रेस्ट के लिए वजह बनने वाली जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सके और दिल को महफूज रखा जाए, और इसके अलावा कार्डिक रेस्ट को दोबारा होने से रोका जाए। ये डॉक्टर की सोची गई ट्रीटमेंट ऑप्शन, डॉक्टर आपके लिए डायग्नोज करते हुए इन ऑप्शन को जो है वो सोच रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन को सोच रहे होते हैं, जो इन बताई गई तीनों कंडीशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए सोची जाती है, डायग्नोज की जाती है। और फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अभी नसोरा गायक के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।